नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी लेटेस्ट इन्फो में। दोस्तों, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यूज न्यूज जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी नई SSC GT की भर्ती आने वाली है। जी दोस्तों, आपने पिछली भर्ती अगर आपने फॉर्म नहीं भी लगाया है या फिर किसी वजह से आप एग्ज़ाम में रह गए हैं या फिर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जॉब्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और फ्री नोट्स स्टडी नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पूरा क्राइटेरिया आपको इस वीडियो में बताएंगे, उनकी तरफ से ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के सामने आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के सामने आ चुका है। आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं जो निकल के सामने आया है। तो यहाँ पे 15 नंबर पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टेबल GT यानी कि SSC GT की आपकी जो भर्ती है, आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं 22 फरवरी 2023 को जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, 22 फरवरी 2023 यानी कि 2023 नेक्स्ट ईयर में आपका जारी होने वाला है। और यहाँ पे आपको बता दें कि आपका यहाँ पे जो आपके फॉर्म लगेंगे वो आपके 31 मार्च से फॉर्म लगना यहाँ पे एंड डेट लास्ट डेट आपकी होगी। उसके बाद दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर जून में लिया जाएगा। तो ये आपका पूरा क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया है, जैसा कि आपको पता है SSC GT पहले ही बता देती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 22 फरवरी से फॉर्म लगना शुरू होंगे, 31 मार्च तक लगेंगे, उसके बाद जून 23 में आपका एग्ज़ाम तक हो जाएगा और आपका रिजल्ट ही जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब क्राइटेरिया की यहाँ पे बात की जाए तो नेशनल सिटीजन, आप इंडिया के अगर आप सिटीजन हो, मतलब आपका डोमिसाइल है या फिर PRC है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, 18 से 23 साल के स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। जैसा कि आपको बताया, अगर आपके 18 से लेकर 23 साल के बीच में एज लिमिट है तो आप कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से। और बता दें, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन रहने वाली है, 5 साल की आपको रिलैक्सेशन और मिलेगी। OBC वालों के लिए 3 साल की मिलेगी, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल की यहाँ पे रहने वाली है। और भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दी जाती है, तो वो अपने कैटेगरी हिसाब से आप देख पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि वैकेंसीज कौन सी रहती है। BSF की रहती है, CSF की रहती है, SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल की रहती है, ITBP आर्म राइफल और SSF की यहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं। इस बार दोस्तों CRPF की वैकेंसीज नहीं दी गई थी, हालांकि उसकी अलग से भर्ती जो है करवाई जाने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको और यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे जो हाइट आपकी मांगी जाती है वो आपकी 170 सेंटीमीटर यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की मांगी जाती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे आपकी बॉयज़ की 165 सेंटीमीटर यहाँ पे रहती है, और यहाँ पे जो है फीमेल की 157 यहाँ पे बताई गई है, लेकिन 150 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे रहती है। तो इसी के साथ यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहती है और फीमेल के लिए 155 यहाँ पे हाइट रहती है। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा PDF यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद फिजिकल टेस्ट की बात की जाए, फिजिकल टेस्ट में आपको पता ही है 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में रहती है आपकी मेल की, और फीमेल की यहाँ पे बात की जाए तो 1600 मीटर आपकी 8.5 मिनट में यहाँ पे रहती है। तो लद्दाख कैंडिडेट की अलग से यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे उनकी 1600 मीटर रहेगी मेल्स की और 800 मीटर रहेगी फीमेल्स की। ये पूरा क्राइटेरिया है, और नेक्स्ट ईयर आपकी जो वैकेंसीज है वो आउट होने वाली है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। आप ये अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चले नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मतलब नेक्स्ट वैकेंसीज जो कि SSC GT की तरफ से आउट किए जाने वाले। वैकेंसीज की टोटल बात की तो 500 से लेकर 600 के बीच में आपको जम्मू कश्मीर की वैकेंसीज मिलेगी, बाकी आपकी अगली बार वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती है। जैसे कि आपको पता, 30 से 40 हज़ार वैकेंसीज आपको हर साल देखने को मिलती है। तो दोस्तों, बस यही था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना।